हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग बात करेंगे ISO/ASCII कोड्स के बारे में, इनका यूटिलाइजेशन और इस पर बेस फ्यू एग्जांपल्स। ASCII कोड्स, तो जैसे कि आल्सो अ 7-bit कोड्स हैविंग 8 ट्रैक और दिस कोड्स इज़ getting more popularity or is being followed internationally these days because it's readily permits करता है information exchange with the computer। क्या permit करता है? information exchange with the computer। तो जो ISO है, that is International Standard Organization, और ASCII जो है वो stands for है American Standard Code for Information Interchange। ISO, that is your International Standard Organization, or ASCII, American Standards Code for Information Exchange। आगे बात करते हैं जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स की, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन ISO recommendations एंड आर गिवन इन BS 3635। कुछ मैन्युफैक्चरर्स सप्लाई जो होते हैं NC मशीन्स के, वो कैपेबल होते हैं रीडिंग करने के लिए दिस कोड्स को। जो नंबर्स आर जो कोडेड हैं इन BCD, बाइनरी कोडेड BCD, हमने यहाँ पे जो बात की थी बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD फॉर्म ऑन द फर्स्ट 4 ट्रैक्स एज प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड। बट इन एडिशन बात की जाए तो सभी जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं हैव अ होल्स इन अ पार्ट या कोडिंग ऑल अल्फाबेट्स करेक्टर्स have a hole in a track 7 and the partiality checks a holes in a track 8 to produce an even number। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर बेसिक एग्जांपल्स की। अगर तो एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल पहला कहता है कि टू रिकॉर्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू 8 और ये जो होल्स हैं वो आर टू बी पंच इन ट्रैक 4 क्योंकि बाइनरी इक्विवेलेंट है 2 की पावर 3 और होल्स इन 5 और 6 जो कि नेसेसरी है फॉर नंबर्स और होल इन ट्रैक 8 फॉर पी इज़ प्रोड्यूसिंग फॉर अ इवन नंबर। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं तो जो ऑपरेशन बी है वो वुड बी रिकॉर्डेड बाय द पंचिंग द होल्स इन 2 और 7 ट्रैक और डिलीट करेक्टर इज ऑर्गेनाइज बाय द पंचिंग द होल्स इन ऑल द 8 ट्रैक बिकॉज टू मेक द नंबर ऑफ होल्स एज इवन फॉर पार्टी चेक। जैसे हमने डिस्कस किया है तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि विच इज़ द इन द फॉर्म ऑफ एंड फ्रॉम द यूज बाय द मशीन। वर्ड इज़ द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड बाय द वर्ड इज़ द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड अप ऑफ सम टाइप सम बिट्स। तो कंप्लीट ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है, वर्ड्स मेक्स अ ब्लॉक एंड ये जो इंफॉर्मेशन है आर गिवन इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स। एग्जाम्पल फिक्स ब्लॉक टैप फिक्स ब्लॉक क्या टैप सिक्वेशन या वर्ल्ड एड्रेसिंग फॉर्मेट वर्ल्ड एड्रेस फॉर्मेट नीडेड फॉर द मशीनिंग और कंपोनेंट थ्रू एन इनपुट मीडिया। ईच ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट कंटेन गिव 5 कंप्लीट वर्ड्स और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे बात करते हैं तो जी ये जो ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि मस्ट कंटेन करें 5 कंप्लीट वर्ड या पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इफ़ अ 5 कंप्लीट वर्ड्स की बात करें तो नॉट नॉट इंक्लूडेड इन ईच ब्लॉक एंड द टेप रीडर विल नॉट रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन ऑन द टेप एंड सो देयर विल नॉट बी एनी एक्चुएशन ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो दिस द शोज यहाँ पर जो पंच टेप है वो शोन इन फिगर 13A जो कि यहाँ पर कंप्लीट करता है ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन पंच ऑन अ टेप कंटेनिंग करता है 1 कंप्लीट ब्लॉक इन्फॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ 5 कंप्लीट वर्ड्स इन्फॉर्मेशन पंच एज इन फिगर। तो यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट दैट इज द कंप्लीट ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ अ 5 प्लेट वर्ड्स। चैनल 8 की बात करते हैं तो इन चैनल 8 में क्या है जो होल जो है वो पंच है। इन चैनल 8 होल इज पंच विद रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बिगिनिंग लाइन
ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो जो जो फर्स्ट वर्ड ऑफ ब्लॉक है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ द ऑपरेशन, तो इस इन दिस N001 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑपरेशन ऑन द टेप, N001 इज द रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द टूल ऑफ द एंड ऑफ द टेप, एंड द लेटर N रिकॉर्डेड बाय द पंचिंग होल्स चैनल 4-5, सो 4-6 and 7। फर्दर बात करते हैं थर्ड, तो जो टैप है उसका यूज़ करते हैं टू सेपरेट ईच वर्ड इनटू अ ब्लैक ऑफ डिफॉर्मेशन, और जो सेकंड वर्ड है इन द ब्लैक रिप्रेजेंट करता है द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। G81 हमारा ड्रिल साइकिल है ऑन द कैनेडियन मैकलॉरिन NC सिस्टम, और जो लेटर जी होता है वो रिप्रेजेंट करता है पंचिंग इन द चैनल्स, रिप्रेजेंट जी इज रिप्रेजेंट रिकॉर्डेड बाय द पंचिंग इन द चैनल्स 1, 2, 3, 6 and 7, एंड 8 and 1 इज रिकॉर्डेड बाय द पंचिंग चैनल 4 and 1 इज रिस्पेक्टिवली विच हैव अ करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू 8 to 1। द थर्ड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द टेबल स्लाइड मस्ट मूव फ्रॉम द एक्सेसिस, किस एक्सेस पर मूव एक्सेसिस, और जो इंफॉर्मेशन कंटेन है इन द थर्ड वर्ड एक्स की वो 1.2345 है, और जैसे कि फिगर में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5A में दैट इज़ अ स्टैंडर्ड टेप्स ऑन द क्लोज्ड लूप सिस्टम प्रोग्राम ऑल द डायमेंशन टू अ 10,000th ऑफ द एन इंच, द मशीन्स विल मूव 1, 2, 3, 4, 5 inch फ्रॉम द एक्सेस। नेक्स्ट जो फोर्थ वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस द टेबल स्लाइड मस्ट बी मूव फ्रॉम द वाई एक्सिस, एंड Y0689 रिप्रेजेंट द टेबल मूवमेंट ऑफ 0.6789 inch फ्रॉम द वाई एक्सिस। सेवन्थ पॉइंट की तरफ प्रोग्रेसिव जब होते हैं तो सेवन्थ पॉइंट ये कहता है कि जो फिफ्थ वर्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मिसलिनियस मैचिंग फंक्शन M51 वुड बी द फिफ्थ वर्ड रिप्रेजेंट द मिसलिनियस मशीनिंग फंक्शन M51 इज वुड बी द प्रॉपर स्कीम द होल इनटू द वर्क पीस इज द ड्रिल टू द रिक्वायर्ड डेप्थ। और बात करते हैं आगे, विद द डेवलपमेंट ऑफ NC और वैरायटी ऑफ इनपुट मीडिया हैज बीन टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट टू MCU। मोस्ट NC मशीन्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनपुट मीडिया, तो इसमें जो पहला मीडियम आता है दैट इज योर इज पंच कार्ड, देयर आर पंच कार्ड, पंच टेपर, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क। दिस इज द टेबल, इन दिस टेबल यू हैव सीन दैट देयर आर डेसिमल और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पंच टेप, दिस इज द पोर्शन एंड दिस इज द कैरेक्टर्स सिंबल नल BS, नल फॉर नल एंड BS फॉर बैक स्पेस, TAB फॉर टेबुलेशन, LF फॉर एंड ऑफ ब्लॉक, CR कार फॉर कार रिटर्न, SF स्पेस SF स्पेस दिस SP फॉर स्पेस, प्रोग्राम स्टार्ट, कंट्रोल आउट, कंट्रोल इन, प्लस साइन, माइनस साइन, ऑप्टिमम फंक्शन एंड अलाइनमेंट फंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।